वरीय न्यायिक पदाधिकारी उत्तम आनंद के मौत के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सीबीआई के द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए माननीय खंडपीठ ने कहा कि ये उपन्यास के जैसा मोटा होता जा रहा है, लेकिन इसमें अभी तक कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने गृह सचिव को इस मामले पर एफएसएल और एफएसएल लेबोरेटरी के मामले पर गृह सचिव को अगली सुनवाई के दौरान जवाब देने को कहा है। इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 12 नवंबर का समय निर्धारित किया गया है।